Hello, my dear students, how are you? Today I am starting a new topic of state space analysis of control system. So let's have a look. Some few questions are there. First question is, given the following state space description of a system is. देखिए जब मैं सॉल्व करती थी तो मैंने इसलिए निशान लगाया तो वो स्कैन में ऐसे ही आ गया है. देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक इक्वेशन होती है डॉट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. यू जस्ट ओपन आउट योर बुक्स एंड जस्ट रिवाइज. मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी. इसमें आप देखिए एक होता है ये और एक इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू. ये दोनों इक्वेशंस आप कंफर्म कीजिएगा. हमसे पूछा फाइंड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीएम बोलते हैं. ओके अब आप इसमें देखिए अगर इसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर ए टी दैट मीन्स एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए ऑफ होल इनवर्स. आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ एस एस सॉरी ये गलती हो गई थोड़ी. जब हम एस आई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आएगा. और माइनस ए क्या होगा माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस फोर. ओके अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा s प्लस टू ये हो जाएगा ज़ीरो ये भी ज़ीरो और ये हो जाएगा s प्लस फोर. ठीक है अब आप इसमें एस आई माइनस ए इनवर्स निकालेंगे. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a. यही होता है ना. अब पहले तो आप इसका जब एस आई माइनस ए का होल इनवर्स निकालेंगे तो ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस. दैट मीन्स यू जस्ट चेंज द साइन. और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वन अपॉन एस प्लस टू ऑफ एस प्लस फोर डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे ना और ये तो ज़ीरो हो जाएगा. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन चेंजेस से आप ऐसे करेंगे. यहाँ पे आएगा आपका एस प्लस फोर यहाँ पे आएगा एस प्लस टू और ये ज़ीरो ज़ीरो. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी एज ये कितना हो जाएगा वन बाय एस प्लस टू ये ज़ीरो ये ज़ीरो और ये कितना हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस फोर. ओके जब ये हो जाएगा तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है. अब क्योंकि वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको यहीं बता देती हूँ. जो आपका अब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आएगा वो होगा आपका फाइव टी एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एंड दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स. दैट मीन्स आपको क्या करना है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा ये आपका यही चीज़ है दिस इज एस आई माइनस ए इनवर्स होल इनवर्स. तो भैया इसको कैसे करेंगे ई टू दी पावर माइनस टू टी जीरो जीरो एंड दिस विल बी ई टू दी पावर माइनस फोर टी. तो यही आंसर आया ना. तो आपका आंसर ये होगा. ठीक है गेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लीनियर सेकेंड ऑर्डर इनपुट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके अब इसमें देखिए दो फैक्टर्स हैं. एक आ रहा है यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए दिस इज डॉट एक्स वन टी. ओके दिस इज डॉट एक्स वन टी एंड आपको ये दिया वेयर एक्स वन टी एंड एक्स टू टी ये स्टेट वेरिएबल्स हैं एंड यू टी इज़ द कंट्रोल वेरिएबल द सिस्टम इज. देखिए पहली बात तो आप इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखिए कि डॉट एक्स वन एंड डॉट एक्स टू. इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. ये होता है माइनस टू और ये फोर हो गया एक्स. यू जस्ट सेपरेट द यू जस्ट राइट डाउन दी कोफिशियंट्स ऑफ एक्स वन टी एक्स टू टी इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो ऑफ द एक्स वन डॉट टी एंड डॉट एक्स टू टी रिस्पेक्टिवली. ठीक है तो ये कितना हो जाएगा प्लस टू और ये माइनस वन. यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स वन एक्स टू और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ज़ीरो है वन है एंड दिस विल बी वॉट दिस विल बी योर यू टी. मतलब मैं इसको अगर यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखा ये थोड़ा सा ना जगह की तंगी हो जाती है तो ऐसी हो जाता है. यहाँ पे आएगा आपका इधर मैं लिख देती हूँ दिस विल बी यू टी. ये इसका पार्ट है. ठीक है अब आप इसमें देखिए आपको पता है इसने बोला है सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है. आपको पता है कंट्रोलेबल के लिए क्यू सी इज इक्वल टू बी इज टू ए बी होना चाहिए. ठीक है एंड बी आपको कितना दिया ये क्या है ए. आपको मैं जगह मार्कर चेंज करूँ तो ये क्या डॉट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. यही है ना. तो ये बी इज टू ए बी है. बी कितना दिया है आपको बी इज ज़ीरो वन. ठीक है अब आप निकालिए ए और बी. तो ये वैल्यू कितनी होगी ए की वैल्यू है माइनस टू प्लस टू फोर माइनस वन और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको ज़ीरो वन.
और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू इंटू ज़ीरो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये प्लस फोर इंटू वन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती होगी आपको, ठीक है। माइनस टू इंटू ज़ीरो प्लस फोर इंटू वन, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस टू इंटू ज़ीरो माइनस वन इंटू वन, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर और ये माइनस वन, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि इसका मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं हो रहा है, अभी हम देखेंगे क्यू सी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब बी की वैल्यू रखिए ज़ीरो वन फोर माइनस वन, अब जब आप इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो इट शुड नॉट कम टू ज़ीरो, ये कितना आएगा, ज़ीरो माइनस वन जा माइनस फोर इंटू वन, तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो माइनस फोर दैट मीन्स माइनस फोर विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स जो आपका सिस्टम है ये क्या है, कंट्रोलेबल है, द सिस्टम इज़ कंट्रोलेबल बिकॉज क्यू सी का जो डिटर्मिनेंट है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि जगह थोड़ी कम हो जाती है। देखिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो एस आई माइनस ए हो जाएगी, दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा, द सिस्टम इज, पहली बात तो सिस्टम कंट्रोलेबल है, तो इसीलिए सी और डी तो होंगे नहीं, ये और इन दोनों में से कोई होगा। अब हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू, आप देखिए एस माइनस, एस आई माइनस ए कितना था बताइए, इट वॉज समथिंग एस प्लस टू, कितना था, एस आई माइनस ए, नो नो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये होगा एस एस आई माइनस ए, दैट मीन्स ये होगा आपका, कोई भी आप ले लीजिए, एस प्लस टू देन माइनस टू माइनस फोर एस प्लस वन। अब ये कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे पहले तो आप देखिए कि ए ये है, तो जब ये ए है, मैं यहाँ पे भी मार्कर चेंज करके आपको बताती हूँ, एस एस ज़ीरो ज़ीरो ओके माइनस, ये कह रहा है ए है, तो यहाँ पे आप देखिए एस आई माइनस ए दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, माइनस टू फोर प्लस टू माइनस वन, दैट मीन्स ये एस प्लस टू माइनस फोर, और ये यहाँ से आप एडिशन करेंगे तो माइनस टू एंड एस प्लस वन, यही होगा ना, यही तो होगा, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे एस प्लस टू माइनस फोर माइनस टू एस प्लस वन। प्लीज़ ओपन योर बॉक्स एंड रिवाइज इट, ठीक है, क्योंकि फिर मैं कमेंट सेक्शन में इतना नहीं लिख पाऊँगी, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कि दोबारा से क्वेश्चन समझा दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई करें, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एस प्लस टू एस प्लस वन, इसका वो निकालेंगे ना डिटर्मिनेंट, एंड माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू एस, एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू माइनस एट इज माइनस सिक्स, ओके। एंड नाउ यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर ए सी प्लस 24 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय इट विल बी वन, ओके। तो ये माइनस थ्री प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 10 11 12 13, दैट मीन्स ये अंडर रूट 33 के लगभग आएगा। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स जब निकालेंगे तो एक आएगा माइनस 4.37 और एक आएगा 1.37, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इस केस में जो वन पोल होगा, एक पोल जो है ये आर एच एस में है, एक पोल जो होगा ये आर एच एस में है, दैट इज़ योर 1.37, तो इसीलिए गिवन सिस्टम जो है अनस्टेबल है, दिस वन पोल इज़ इन द आर एच एस, तो जब भी कोई एक पोल आर एच एस में होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए आपका जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट वेरिएबल मॉडल। अब आप इसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये अगेन देखिए मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखा है, डॉट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स डी इज ज़ीरो। अब ये पूछ रहा है कि सिस्टम कैसा है। अब आप इसमें देखिए, देखो ए बी निकालेंगे पहले, हमें क्या निकालना है कि वो कम कंट्रोलेबल है कि नहीं है, ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। तो पहले आपने पढ़ा था कंट्रोलेबल होता है बी इज़ टू ए बी एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप देखिए, पहले तो आप देखिए ए क्या है, ए ये दिया है बी ये दिया है, पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू, बी कितना दिया है ज़ीरो वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन
इंटू ज़ीरो, ओके, प्लस ज़ीरो इंटू वन, देन ज़ीरो इंटू ज़ीरो माइनस टू, एंड दिस विल बी माइनस वन प्लस ज़ीरो इज़ माइनस वन, दिस इज़ माइनस टू, ओके। अब आप देखिए इसमें ये जो है आपका, ये तो ज़ीरो माइनस टू हो गया। अब आप निकालिए बी इज़ टू ए बी, नाउ कंट्रोलेबल इज़ बी इज़ टू ए बी, दैट मीन्स आपका बी कितना दिया है, बी दिया है आपका ज़ीरो वन, और ए बी हो गया माइनस वन माइनस टू। अब निकालिए ज़रा इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये इट विल बी ज़ीरो इंटू माइनस टू एंड माइनस माइनस वन, तो कितना हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन है ना ये, नहीं नहीं ये आपका कितना आ रहा है ज़ीरो वन, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुकिए, माइनस वन, ओ सॉरी, माइनस वन इंटू ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो गया ना, जब ये ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो जब ज़ीरो इंटू माइनस टू और ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स ये क्या है, विच इम्प्लाइज़ कि जो ये मैट्रिक्स है, जो इसका डिटर्मिनेंट, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, हम इसको लिखेंगे ये अनकंट्रोलेबल है, तो यानी कि ये हो गया। अब आप इसमें देखिए, हम इसमें अब क्या निकालेंगे, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल भी हमें चेक करना है, तो ऑब्जर्वेबल के लिए हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज के लिए आप देखिए ये माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू है, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए पहले तो आप ए लिखिए ना इसको, ये है आपका माइनस वन ज़ीरो एंड देन ज़ीरो माइनस टू, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर आपके पास सी कितना दिया है वन टू, यानी कि सी टी कितना हो जाएगा, सी टी हो जाएगा आपके पास, इसको रो को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते ना, तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए माइनस वन ज़ीरो, ये इसने एक को ट्रांसपोज है, अब आप इसमें निकालेंगे ए टी इंटू सी टी निकालेंगे ना, जब ये इस तरीके से दिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोज होगा ये कैसे निकलेगा, इस तरीके से तो नहीं निकलेगा, माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू, यस, इसका ट्रांसपोज ऐसे निकलेगा, सेम चीज़ आ रही है। अब आप इसमें देखिए ए टी सी टी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो ये माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू हो गया, और सी टी इज़ वन टू हो गया, और ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस वन इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू टू, फिर ज़ीरो इंटू वन माइनस टू इंटू टू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस ज़ीरो, ये ज़ीरो माइनस फोर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस फोर, यही आएगा। अब आप इसमें जब ऑब्जर्वेबल निकालेंगे तो ये कितना होगा, दिस इज़ इक्वल टू सी टी इज़ टू ए टी सी टी, ठीक है। अब आप देखिए ये वैल्यू जो है आपकी कितनी आ रही है, सी टी इज़ हाउ मच, इट इज़ वन टू, एंड ए टी सी टी इज़ हाउ मच, माइनस वन माइनस फोर, ओके। अगेन अब आप इसका वो निकालेंगे डिटर्मिनेंट, दिस इज़ योर डिटर्मिनेंट, सो दिस इज़ इक्वल टू वॉट, वन इंटू फोर, वन इंटू माइनस फोर, एंड माइनस माइनस वन इंटू टू, सो दिस इज़ हाउ मच, माइनस फोर एंड प्लस टू, दिस इज़ माइनस टू, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यानी कि जो गिवन सिस्टम है ये ऑब्जर्वेबल है, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल, ये क्या है आपका, कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल है, दैट मीन्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल, दैट इज़ इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंट्रोलेबल एंड द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल, तो इसके दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन एल टी आई सिस्टम हैज़ द स्टेट एंड द आउटपुट इक्वेशंस गिवन बिलो, ओके, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन था ना, फोर्थ क्वेश्चन, लेट मी चेक, गिवन बिलो, अच्छा ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, मैंने किया तो था, वो बीच का कहाँ चला गया, एनीवेज इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये जो है इसमें जो कंडीशंस दी हैं, एक्स वन ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस वन है, एक्स टू ज़ीरो आपका माइनस वन है, यू ज़ीरो आपका जो है ज़ीरो है, देन इसने पूछा है कि डी वाई बाई डी टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो इज़, ये पूछा है इसने, तो इसमें ऑप्शंस में दिया है, जो ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ये है ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो एंड नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम इसको लिख सकते हैं डॉट एक्स वन इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स वन दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, यही होगा ना। अब हम निकालेंगे डॉट एक्स वन
जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन जीरो माइनस एक्स टू जीरो, यही होगा ना, दिस इंटू दिस, एक्स वन माइनस एक्स दिस इंटू दिस, अभी नहीं एक्स टू नहीं निकालना है अभी। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशंस रखेंगे, इनिशियल कंडीशंस मैंने आपको दिया है कि ये वन है, एक्स वन जीरो इज़ वन एंड एक्स टू जीरो इज़ माइनस वन, सो दिस इज़ टू। नाउ डॉट एक्स टू निकालेंगे, डॉट एक्स टू आप देखिए आउट आउट, ये ए एक्स प्लस बी यू है ना, तो इस फॉर्म में है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे जीरो इंटू एक्स वन प्लस वन इंटू एक्स टू, तो ये कितना हो गया एक्स टू, यही हो गया। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस रखिए, डॉट एक्स टू जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन हो गई। अब वाई निकालिए, वाई की वैल्यू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इसको इस फॉर्म में लिखिए एक्स वन प्लस एक्स टू। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी टी निकालना है, सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हाउ मच, डॉट एक्स वन प्लस डॉट एक्स टू। अब अगेन एट टी इक्वल टू जीरो निकालेंगे, जब एट टी इक्वल टू जीरो निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डॉट एक्स वन जीरो प्लस डॉट एक्स टू जीरो। ओके, तो अब आप देखिए डॉट एक्स वन जीरो कितनी वैल्यू है, ऊपर हमने निकाली है डॉट एक्स वन जीरो इज जीरो, डॉट एक्स वन जीरो कितना है वन माइनस माइनस वन, दिस इज टू सॉरी, सो डॉट एक्स वन जीरो इज टू एंड डॉट एक्स टू जीरो इज हाउ मच, मैंने निकाली क्यों नहीं है, डॉट एक्स टू जीरो इज दिस इज माइनस वन, सो ये कितना हो गया टू एंड माइनस वन इज वन, तो आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन करा इजी थे ना। नेक्स्ट है द सिस्टम मोड डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट इक्वेशंस इज, देखिए ये क्वेश्चन इसने पूछा है कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल। देखिए अब ये क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी इज टू ए बी इज टू ए स्क्वायर बी एंड सो ऑन, अप टू कितना होता है ये ए टू द पावर एन माइनस बी हो जाता है। अब ए की वैल्यू कितनी दी है, जीरो वन टू माइनस थ्री दिया है। अब बी की वैल्यू कितनी दी है, जीरो वन दिया है। मैं ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। अब आप देखिए हम ए बी निकालेंगे, ए बी कितना हो जाएगा बताइए, ए बी इज़ हाउ मच, जीरो वन टू माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे ना हम जीरो वन, तो करिए दिस जीरो इंटू जीरो प्लस वन इंटू वन, टू इंटू जीरो एंड प्लस माइनस थ्री इंटू वन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वन एंड माइनस थ्री। ओके, अब आप देखिए जो कंट्रोलेबल फॉर्म है आपकी क्यू सी, इसमें हम आप कैसे कर सकते हैं, इसको निकालिए इसको जरा, बी कितना है आपका जीरो वन और ए बी कितना है वन माइनस थ्री, ठीक है। अब ये टू क्रॉस टू का ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो इंटू माइनस थ्री एंड माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस वन एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज टू एंड जो रैंक है वो भी टू है, ऑर्डर इज टू एंड रैंक इज ऑल्सो टू, क्योंकि टू क्रॉस टू में आ रहा है, तो इसीलिए ये कंट्रोलेबल है, द सिस्टम इज एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ऑब्जर्वेबल का निकालना है, दैट मीन्स सिस्टम इज, ये तो गलत हो गया, कंट्रोलेबल है ये भी गलत हो गया, अब इन दोनों में से ऑप्शन हमें चूज करने हैं। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्जर्वेबल निकालना है। ऑब्जर्वेबल के लिए देखिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑब्जर्वेबल हमें क्या निकालना है, जो क्यू नॉट होगा दिस इज इक्वल टू वॉट, सी टी इज टू ए टी, सी टी इज टू ए टी स्क्वायर सी टी एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज है, जो सी टी है, वो कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, दिस इज हाउ मच, ये आपका हो जाएगा वन वन, इसका ट्रांसपोज तो कितना हो जाएगा वन वन, यही हो गया। अब ए टी कितना दिया है आपको, ए टी इज हाउ मच, दिस इज जीरो वन टू माइनस थ्री, मैंने इसको पढ़ लिया है, दिस इज जीरो वन टू माइनस थ्री, इसका ट्रांसपोज तो कैसे हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ऐसे करेंगे क्या, नहीं तो इन्वर्स निकलता है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है जीरो टू वन माइनस थ्री, ये आना चाहिए क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है, मैं भी करती थी इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये हो गया, अब आप इसमें निकालिए ऑब्जर्वेबल में, आप निकालिए ज़रा दो चीज़ें निकालिए, सी टू इज टू ए टी सी टी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वन वन, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी अभी हमें ए टी सी टी भी निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंस ए टी सी टी इज हाउ मच, दिस इज व्हाट, एक मिनट रुको, ए टी सी टी दिस इज ज़ीरो टू वन माइनस थ्री, यही है ना। अब ये वन वन है तो अब हमें क्या करना है, इसका सी टी इज टू ए टी सी टी, तो
इसको निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कैसे निकाला देखो, मैं भी भूल गई ना, मैंने कैसे निकाला था देखो, ये ए टी था, ये सी टी था, ए टी सी टी दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ओके ओके ओके, जो ए टी सी टी मतलब कि ये है आपका, और सी टी इज़ हाउ मच, दिस इज़ योर 1 1। अब आप निकालिए ज़रा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1 -3 -2। ओके, अब आप इसमें निकालेंगे, हाँ तो अब ये यहाँ जब रखेंगे ये वैल्यूज़, तो इट इज़ 2 -2 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, -2 -2, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये -4 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एब्सोल्युटली ऑब्जर्वेबल, ये कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सी टी, और ये क्या हो गया, ए टी सी टी। ए टी सी टी का मतलब प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका आंसर क्या आएगा, दिस इज़ कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल बोथ। तो आप मुझे लिखिए बताइए, यही मैं कंटिन्यू करूँ, कैसा लगा ये पढ़ने में, इंटरेस्ट आया, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, एक ही बच्चे ने दिया है, हरीश ने, वेल डन हरीश, वो एक्सप्लेन करके भी आप जो लिखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन आईसी टेक्नोलॉजी ड्राई ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू वेट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस, मैंने आपको बताया था कि जो ड्राई ऑक्सीडेशन होता है, इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस एज कम्पेयर टू द वेट ऑक्सीडेशन, एंड ड्राई ऑक्सीडेशन इट इज़ यूज इन ऑर्डर टू ग्रो द गेट ऑक्साइड, जबकि जो वेट ऑक्सीडेशन होता है, इट इज़ यूज टू ग्रो द फील्ड ऑक्साइड लेयर। जो क्वालिटीज़ होती हैं फील्ड ऑक्साइड की, इट इज़ नॉट एज क्रिटिकल एज दैट ऑफ द गेट ऑक्साइड। सो इन ऑर्डर टू अचीव द हाई क्वालिटी ग्रोथ रेट, हमें क्या करना पड़ेगा, आईसी टेक्नोलॉजी में हम ड्राई ऑक्सीडेशन क्या करता है, सुपीरियर क्वालिटी ऑक्साइड विद द हायर ग्रोथ रेट, नो इन्फीरियर क्वालिटी ऑक्साइड तो होगा नहीं, जहाँ भी इन्फीरियर होगा, इट प्रोड्यूसेस अ सुपीरियर क्वालिटी ऑक्साइड विद अ लोअर ग्रोथ रेट, बिकॉज जो आपका ड्राई ऑक्सीडेशन है, इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस। सो वेल डन हरीश, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखते हो आप, इट सीम्स कि आप सीरियसली पढ़ रहे हो। तो अच्छा भी लगता है टीचर को जब बच्चे आंसर्स देते हैं, तो ऐसा लगता है कि बच्चे टीचर को सीरियसली लेते हैं। बाकी आपको मेरे ये कंट्रोल्स के क्वेश्चंस कैसे लगे, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टिल देन, गुड बाय।